देखने से पहले आप सावधान हो जाइए। अगर भाई साहब आप जमीन बेच रहे हो या जमीन खरीद रहे हो तो भैया किसी के बुलाने पर अकेले मत जाना, ना जाने भैया आपकी हत्या कर बैठे। आप सावधान इंडिया देखो या क्राइम पेट्रोल देखो, सब देखने के बाद आप यही कहोगे। पर बाराबंकी जनपद के थाना कोठी पुलिस टीम द्वारा राजकुमार हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया गया। दो भाई साहब हत्या करने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक का नाम संजय वर्मा बताया जा रहा है, दूसरे का नाम राम प्रसाद है। ये दोनों भाई साहब कहा बताए, प्लास्टिक की रस्सी ले जा करके गला घोट करके राजकुमार को ठिकाने लगा देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, कार भी बरामद हुई। और पूछो ना भैया, मामले की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक बाराबंकी जनपद के एसपी यहां प्रसाद दे रहे हैं। कान खोल कर सुनिएगा पूरी स्टोरी भाई साहब, विस्तार समझ। तो वादी महेश प्रसाद वर्मा जी ने आकर के तहरीर दिया कि उनका लड़का जो राजकुमार वर्मा उर्फ राज है, वो जमीन के पैसे लेने के लिए बाराबंकी में आया था और अब वो मिल नहीं रहा है। उसकी संदेह है कि हत्या कर दी गई है और उसकी लाश कहीं छिपा दी गई है। इसी आधार पर कोठी थाना क्षेत्र में एक मुकदमा 302-201 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। इसमें थाना टीम और हमारे एडिशनल ओसीओ साहबान ने लगातार मेहनत किया तो पूरा प्रकरण निकल के आया कि जो बॉडी है मृतक की वो दूसरे थाना क्षेत्र बद्दोसराय में वहाँ नहर के किनारे फेंक दी गई है। वहाँ से रिकवर करके पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जब पूरा गहन इसमें जांच पड़ताल की गई तो निकल के आया कि जो मृतक राजकुमार वर्मा उर्फ राज है वो अभियुक्त इसमें जो संजय वर्मा है उससे 7-8 महीने पहले 11 बीघा जमीन लिया था 10 लाख रुपए का और ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुम वापस कर देंगे एक साल बाद 20 लाख रुपए में, डबल करके इसको वापस कर देंगे। और जब इसी बीच में पंकज वर्मा नाम के एक व्यक्ति से इसने जमीन खरीदने का सौदा तय किया 5 लाख रुपए में, एक बीघा जमीन 5 लाख रुपए में खरीदने का सौदा तय किया और उसमें 3 लाख रुपए RTGS करके उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 2 लाख रुपए ये तय हुआ था कि रजिस्ट्री करने जाएंगे तब देंगे और वो 2 लाख रुपया इसके पास था नहीं राजकुमार के पास में। तो इसने जो संजय वर्मा है जिससे इसने जमीन बेच रखी थी उसे कहा कि तुम 2 लाख रुपए दे दो और मांगने लगा तो फिर ये कहा कि ठीक है आज आ जाओ दे देंगे और एक दो दिन इसी तरीके से टालमटोल करके उसको घुमाता रहा। घटना से एक दिन पहले ये अपने साथी विभव के साथ में, राजकुमार विभव के साथ में आया और संजय वर्मा से कहा कि हमें पैसे दो, तो वो दिन भर उससे घुमाते रहा। शाम को ये बताया कि पंकज वर्मा के पास हमारा चेक रखा हुआ है और वहाँ से तुम चेक ले लेना और कल हम लोग बैंक चल करके तुम्हारा भुगतान कराएंगे। वो जो मृतक था राजकुमार वो पंकज वर्मा के यहाँ सुबह ही पहुँच गया और वहाँ से 3 ब्लैंक चेक लिए उसने और ब्लैंक चेक लेकर के संजय वर्मा के पास आया। संजय वर्मा से कहा कि चलो बैंक चलते हैं जो बैंक ऑफ इंडिया सिद्धौर में है। वहाँ जा करके अकाउंट जब चेक किया इन लोगों ने तो उसके अकाउंट में कोई पैसा नहीं था। फिर इन लोग जो संजय वर्मा है इसने अपने 2 और साथी रिंकू और दिलीप रावत को बुला लिया और इसके साथ राम प्रसाद भी था। इन लोगों ने तय किया कि ये बार बार पैसे मांग रहा है तो ले चल के इसको अब ठिकाने लगा देते हैं। इसी में मृतक राजकुमार को और रिंकू और दिलीप रावत और संजय वर्मा ये सब जो रिंकू मारुति जैन लेके आया था वो गाड़ी में बैठा लिए और ये लोग लेकर के दरियाबाद की तरफ गए। वहाँ पे करसैली डीह के पास में प्लास्टिक की रस्सी से इसका गला घोट करके हत्या कर दी गई और हत्या करके वहीं लाश छुपा दी गई। उसके बाद जो रामप्रसाद था उसको मोटरसाइकिल दे दिया इन लोगों ने कि ले जाके इसको ठिकाने लगा दो, तो उसने उसके कलपुर्जे तोड़ ताड़ के अलग करके उसको रारी नदी में डाल दिया। वो कलपुर्जे भी बरामद हुए हैं, रस्सी भी बरामद हुई है, जैन गाड़ी बरामद हुई है और 2 अभियुक्त संजय वर्मा और रामप्रसाद गिरफ्तार हुए हैं। 2 अभियुक्त इसमें रिंकू और दिलीप अभी बाकी हैं, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनको मेडिकल करा करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस घटना में सम्मिलित भाई साहब रिंकू और बकायदा दिलीप जल्दी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन भाई साहब देखो मोटरसाइकिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और बकायदा जैन गाड़ी भी बरामद कर ली गई। पुलिस भाई साहब अभी भी कार्रवाई में जुटी हुई है और जल्दी भाई साहब 2 साथी अभियुक्त और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पर बाराबंकी जनपद से उत्तर प्रदेश के लिए विकास यादव के साथ आदर्श रावत की रिपोर्ट। फिलहाल भाई साहब बाराबंकी जनपद के भाजपा के नगर कार्यालय पर देखो महिलाओं की बैठक की गई और बकायदा कैसे 22 का चुनाव जीत रहा है इसको लेकर रणनीति भी तय की गई। पर इसके बाद मित्र की वीडियो को शेयर करना कदम मत भूलिएगा।